राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला अस्पताल में सीएमओ कार्यालय पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के द्वारा झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया गया तथा दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 2 अक्टूबर का दिन बड़ा महान होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो लोक सजगता, सरलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की मिसाल थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी का संदेश था कि समस्त ब्रह्मांड एक जीव है और उसमें रहने वाले सभी लोग परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए गांधी जी ने सत्य अहिंसा का संदेश दिया था। किसी भी मानव और जीव को कोई हिंसा पहुंचाता था तो उनको पीड़ा होती थी। उन्होंने सबको आत्मा का रूप मानते हुए संदेश दिया था, इसलिए उनका अहिंसा का धर्म सर्वोपरि रहा और आज भी जो लोग उनके आदर्श को मानते हुए चलते हैं वो सफलता के परचम लहराते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए 2 अक्टूबर का दिन बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे जिन्होंने महकाया हिंदुस्तान। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो लोग सरलता, सजगता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की मिसाल थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष में कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान किया गया और सभी लोगों ने इन पुण्य आत्माओं को कृतज्ञता से नमन किया। साथ ही साथ गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। आज के दिन हमारे जनपद में विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मलिन बस्तियों में चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, रोडवेज कर्मचारियों ड्राइवरों के नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई और मेले का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का एक संदेश जो था कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो जीव है और उसमें रहने वाले सभी लोग जो हैं परमात्मा के ही अंश हैं, इसीलिए सत्य अहिंसा का उन्होंने संदेश दिया था। किसी भी मानव को, किसी भी जीव को यदि कोई हिंसा पहुंचाता था तो उनको बहुत पीड़ा होती थी। उन्होंने सबको ब्रह्म मानते हुए और एक ही आत्मा के रूप को मानते हुए संदेश दिया था, इसीलिए उनका अहिंसा का धर्म जो था वो सर्वोपरि रहा और आज भी उसी पर लोग आदर्श मानते हुए जो चलते हैं वो सफलता का परचम लहराते हैं। स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की जनता को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया है और संचारी रोग हमारा महाअभियान कल से प्रारंभ हो गया है। संचारी रोग में हम लोगों ने जो हमारे 11 विभाग समन्वित होकर के अपना कार्य करते हैं, सब लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। नालियों की सफाई, पानी का ड्रेनेज, झाड़ियों की कटाई, चूहों की रोकथाम, स्कूलों में शिक्षा, सुअर बाड़ों को आबादी से दूर करना, छिछले हैंडपम्प जो इंडियामार का हैंडपम्प है का पानी पीने की सलाह देना, जो हमारे इंडियामार का पम्प के चारों तरफ जहाँ पर कंक्रीट नहीं है वहाँ का कंक्रीट का चबूतरा बनाना, जो छोटे वाले हैंडपम्प हैं उनको लाल निशान से चिन्हित करना, इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों में जागरूकता, पोषण के प्रति जागरूकता, बीमारियों से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता के तमाम संदेश हमारी टीमें गांव-गांव घर-घर जाकर के देना प्रारंभ कर दी हैं और मुझे उम्मीद है गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर के स्वास्थ्य की एक नई कथा लिखेगा।